हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, झारखंड के चार विभिन्न जिलों से निकाले गए विभिन्न वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ताकि इसी तरह का यूजफुल कंटेंट आपको लगातार प्राप्त होता रहे। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, देख सकते हैं, ये आपका जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट गोड्डा की तरफ से ये वैकेंसी निकाला गया है, जहाँ पर आपका देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये बहाली होने वाली है। नेक्स्ट हम लोग दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पर जो पोस्ट रहेंगे आपका स्टाफ नर्स का है, टोटल 23 पद पर यहाँ पर बहाली होने वाली है। रिजर्व के लिए 7 रहेगा, BC1 के लिए 2 रहेगा, BC2 के लिए 2 रहेगा, SC के लिए 5 रहेगा, ST के लिए आपका 5 रहेगा और EWS के लिए 2 रहेगा। क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो इंटरमीडिएट विद 3 ईयर्स का आपका जनरल नर्सिंग एंड वेरीफाइड ट्रेनिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट होना चाहिए, मतलब ट्रेनिंग किया होना चाहिए, और वेतन के रूप में आपको 20,000 रुपया दिया जाएगा और ये आपका झारखंड से ही रिकॉग्नाइज आपका होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं OT असिस्टेंट के लिए 8 पदों पर यहाँ बहाली होने वाली है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 10+2 होना चाहिए और साथ ही साथ इंटरमीडिएट डिप्लोमा इन OT असिस्टेंट होना आपका होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं 11,000 रुपये आपको वेतन दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि लैब टेक्नीशियन के लिए है, टोटल पदों संख्या 10 है, 10+2 होना चाहिए और डिप्लोमा लैब टेक्नीशियन में होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 1 ईयर का यहाँ पर, और नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं 15,000 रुपये आपको वेतन दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों रेडियोग्राफर के लिए है, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए, टोटल पदों की संख्या 5 है। क्वालिफिकेशन की बात किया तो 10+2 होना चाहिए और डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी रेडियोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए, 2 साल के यहाँ पर एक्सपीरियंस बोला गया है और वेतन आपको 16,000 रुपया दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं फार्मासिस्ट के लिए 17 पदों पर बहाली होने वाली है, 10+2 होना चाहिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए, देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको 10,973 रुपया आपको दिया जाएगा। ECG टेक्नीशियन के लिए है, 1 पदों पर बहाली होगी, 10+2 होना चाहिए, डिप्लोमा डिग्री ECG टेक्नीशियन होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर आपको अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए MS ऑफिस के साथ, और 15,000 रुपये आपको वेतन दिया जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं कि यहाँ पर उम्र सीमा के बारे में बात किया जाए तो न्यूनतम आपका 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पर जनरल के लिए 35 साल और यहाँ पर पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 साल, ST SC कैंडिडेट के लिए 40 साल, महिला सामान्य और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा के लिए आपका 38 साल, PH कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर क्लियर कर दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों क्लियर कर दिया गया है कि चयन की जो प्रक्रिया की जाएगी वो आपको चयन लिखित परीक्षा फिर स्किल टेस्ट या संस्कार के प्राप्तांक के आधार पर आपका किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो अपना निबंधन डाक स्पीड पोस्ट या बाय हैंड के माध्यम से आवेदन भेजेंगे, और नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर भी सारा डिटेल यहाँ पर दे दिया गया है, www.godda.nic.in पर भी आप सारा डिटेल देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो अपना सभी डॉक्यूमेंट है सेल्फ अटेस्टेड करके, आवश्यक प्रमाण पत्र एवं प्रमाण पत्रों के सेल्फ अटेस्टेड करके आरक्षण के दावा हेतु आपको यहाँ पर देख सकते हैं आवासीय के लिए भी सर्टिफिकेट लगेगा और जाति के लिए भी निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, जाति जन्म तिथि के संबंधित आपको मेट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र लगेगा, कंप्यूटर दस्ता प्रमाण पत्र लगेगा, और नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन पत्र के साथ 100 अभिप्रमाणित 2 पासपोर्ट साइज का फोटो आपको करना पड़ेगा सेल्फ अटेस्टेड, और यहाँ पर देख सकते हैं 12/9/2023 को 5 बजे अपराह्न से आपको दिनांक विभिन्न प्रपत्र में आवेदन जमा कराया जा रहा है, दिनांक 12/9/2023 को 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं शुल्क की बात किया जाए तो ST SC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि 200 रुपया लगेगा, जनरल के लिए आपका यहाँ पर पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 400 रुपये आएगा। बैंक ड्राफ्ट आप देख सकते हैं, ड्राफ्ट का भुगतान जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति गोड्डा, डिस्ट्रिक्ट रूरल हेल्थ सोसाइटी एक्सपोल गोड्डा के नाम से आपका भुगतान देय होगा, और उसके बाद आपको बल लिफाफे में निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से बाई हैंड के माध्यम से आपको सैनिक शल चिकित्सक से मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय गोड्डा के नाम से आपको भेजना पड़ेगा। लिफाफे के ऊपर आपको ये लिखना होगा विज्ञापन संख्या, पद का नाम, पद का कोड, अपन नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा। देख सकते हैं दोस्तों ये आपका एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, यहाँ पर सारा डिटेल यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है, सारा डिटेल यहाँ पर फॉर्म भर कर आपको भेज देना है। अब हम लोग नेक्स्ट वैकेंसी, ये जो वैकेंसी आप देख सकते हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल आपका हजारीबाग तरफ से निकाला गया यहाँ पर वैकेंसी है, जो कि बड़का गांव रोड पर है, और नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि रिक्वायरमेंट की बात किया तो यहाँ पर टीचर के रिक्वायरमेंट है साइंस के लिए है, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स,
प्रिंटिंग, आईपी या फिजिकल, आपका एजुकेशन के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, और कॉमर्स के लिए आपका अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी का यहाँ पर टीचर की रिक्वायरमेंट है, पीजीटी। यहाँ क्वालिफिकेशन की बात किया तो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए इसी सब्जेक्ट में, और साथ ही साथ बीएड होना चाहिए, फिर आप एमपीडी किए हुए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश आपकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, सेवन पे कमीशन के अनुसार ही, और एक्सपीरियंस के आधार पर ही आपका वेतन यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। अकोमोडेशन अवेलेबल रहेगा, और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है आप देख सकते हैं dps6@gmail.com पर आप सेंड कर सकते हैं, 30/9/2023 के अंदर यहाँ पर वैकेंसी आप फिलअप कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं। दोस्तों यह वैकेंसी आपका सेंट जेवियर स्कूल की तरफ से निकाला गया है, जो कि ध्रुवा रांची में है। यहाँ पर कुछ पोस्ट की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर देख सकते हैं टीचर की रिक्वायरमेंट है, वैकेंट फॉर द इमीडिएट रिक्वायरमेंट यहाँ पर है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर सारा डिटेल देख सकते हैं। जो वैकेंसी निकल कर आपका आई हुई है आपका रामगढ़ जिला से निकाली गई है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि आयुष्मान मित्र की यहाँ पर आवश्यकता है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात किया तो बीएससी या बीकॉम या बीए किए हुए हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हायर क्वालिफिकेशन जो इंटरेस्टेड क्वालिफिकेशन जो रहेंगे उनको यहाँ पर प्रीफ्रेंस दिया जाएगा। मिनिमम 3 साल का आपको इसी फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंप्यूटर की अच्छी जानकारी होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं एमएस ऑफिस इंटरनेट के यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। अधिकतम जो उम्र सीमा रहेगी 60 साल रहेगा, और मानदेय आपको 120 रुपया प्रति केस के अनुसार आपको भुगतान किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सारा डिटेल, यहाँ पर देख सकते हैं कि वाल के इंटरव्यू में उपस्थित होने के लिए किसी प्रकार का यातावाता नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं रिक्वायरमेंट की बात करें तो सदर अस्पताल रामगढ़ के लिए यहाँ पर 3 पद रहेगा, ट्रामा सेंटर पटेल चौक रामगढ़ के लिए 1 रहेगा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मांडू के लिए 1 रहेगा, और पतरातू के लिए आपका 1 रहेगा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला के लिए 1 रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं 7 पद तथा प्रतीक्षा सूची में आपका 6 पद रहेगा, परीक्षा के परिणाम से 1 वर्ष के लिए आपका वैलिड रहेगा, और दिनांक 6/9/2023 को असैनिक शल चिकित्सा से मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी रामगढ़ के कार्यालय सभागार में पूर्वाहन 11:30 बजे आपको वार के इंटरव्यू के लिए अपना बायोडाटा और सभी मूल प्रमाण पत्र के एवं दो सेट आपको साथ में लेकर आपको उपस्थित होना पड़ेगा। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। यदि किसी तरह कोई कन्फ्यूजन